हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो मैं आज फिर से जंगल आया हूँ, और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि जो रेशम कीट आप लोगों को दिखाऊंगा, जो बंद हो जाते हैं एक छोटे से गोले में, जो जिससे रेशम कीट बनते हैं रेशम कीट से, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा अंत तक, देखिए छोटा सा ये, चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ है, यहाँ आए हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, और ये रेशम कीट दिख रहा होगा, और वो इस तरह बंद हो जाते हैं। ये देखिए कि आप लोगों को खुला वाला दिखाते हैं, पत्ता है इस पर, ये देखिए इस तरह बंद हो जाते हैं। ये आप लोग देखते हैं, मतलब देखे होंगे, ये मतलब नहीं देखे होंगे, कोई 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 देखे होंगे। और ये देखिए यहाँ भी है, और सब बंद के पूरे नहीं हुए। ये जो है ना, ये इसको काट के ले जाते हैं, फिर इसको बेचने के बाद जो जो प्रोसेस होता है यार कपड़ा बनाने का, इतना लंबा कौन जाएगा। आप लोगों को कल दिखाना है और दिखाते हैं, चलिए। ये रहा देखिए, और उस पेड़ में भी देखिए कितने सारे हैं। ये देखिए वहाँ पे भी है। चलिए आप लोगों को यहाँ पर ढेसा रखा हुआ है, काट के मतलब पत्ते के साथ काट के रखा गया है। यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ देखिए बस छुपा के रखा गया, क्योंकि इस चिड़ियाँ वगैरह या चूहे, जंगली चूहे क्या बोलेंगे, ये खाते हैं। और यहाँ पर भी है देखिए, ये देखिए, ये तो थोड़ा छोटा है, इसे बड़ा बड़ा भी बांधते हैं। मतलब जिस हिसाब से, जिसके हिसाब से, मतलब ये जो पत्ते खाते हैं, जितना उसके अंदर पत्ते, जितना वो ज़्यादा खाते हैं, जितना अच्छा उसका शरीर बनता है, उसी के हिसाब से ये उतना ही मजबूत और अच्छा बनता है, अच्छा क्वालिटी का। और उसी क्वालिटी के हिसाब से ही कपड़ा जो बनता है, उसी के उस क्वालिटी के हिसाब से ही बनता है। जैसे ये अच्छा है, ये अच्छा है, और इससे कुछ उतना मजबूत नहीं होते हैं, तो उसमें उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता। जैसे ये थोड़ा ख़राब है, ये उतना इसके बराबर, इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि इसे ये कुछ पत्ते, अच्छा पत्ते खाए हैं या ज़्यादा पत्ते खाए हैं, और ये ठीक से पत्ते नहीं खाए हैं, तो उसी के हिसाब से उसका धागा निकलता है, और उसके हिसाब से ये बनता है। ये बाद में फिर तितली बन कर निकलते हैं इसके अंदर से, फिर वो तितली अंडे देते हैं, फिर उस अंडे से फिर जो रेशम कीट ही निकलते हैं। ये जो रह जाता है इससे, ये धागा, ये धागा है, इससे जो धागा निकलता है, बहुत ही रेशम जो निकलता है, बहुत पतला पतला होता है, वो उससे कपड़ा बनता है। देखिए बहुत ही, ये देखिए बहुत ही ना, बहुत ही पतला सा धागा है। कैमरा में तो पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, चलिए आप लोगों को दिखा दिए, जो दिखाना था आप लोगों को दिखा दिए। तो कैसे लगा देख के बताइए कमेंट में, और हो सके तो आप लोगों को फिर दिखाऊंगा जो जो तितली बन के निकलते हैं, वो हो सके तो आप लोगों को दिखा लूँगा। टाइम मिलेगा तो कभी जाऊँगा, तो जहाँ पे बनता है वहाँ जाऊँगा, तो दिखा दूँगा आप लोगों को। ओके बाय।